दादा आएंगे दबा बाहर आ जाइए बाहर आ जाइए दादा मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस पर काफी आपत्ति जताई है इस पूरे मामले में। 4:30 बजे पीसी करेंगे सारा जो ये राजनीतिक जो षड्यंत्र है उसको हम लोग बताएंगे ठीक है। कहाँ पे पीसी करेंगे? पार्टी ऑफिस। कोई लेटर आया दादा? कोई लेटर? कोई चिट्ठी नहीं। एक और महत्वपूर्ण बात यह कि इस बीच मुख्यमंत्री की तरफ से जो लेटर जारी किया गया है उसमें बीजेपी पर निशाना साधा गया है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये देखिए ये फर्जीवाड़े है। चुनाव आयोग यदि संवैधानिक संस्था है तो उसका सीलबंद रिपोर्ट किसी सांसद के पास कैसे आ सकता है? ये बहुत आपत्तिजनक है और हम लोग इसका कंडेम करते हैं। क्या चुनाव आयोग की संवैधानिकता आज खतरे में है? चुनाव आयोग को इस पर निर्णय लेना चाहिए और इस पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आप लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाने की तैयारी में हैं? अब परिस्थिति क्या होता है, निर्णय क्या आता है, माननीय राज्यपाल जी का निर्णय क्या आता है उसका हम इंतजार करें। बीजेपी के नेता जो 4:30 बजे हम बात करें, आप उसको सच मान रहे क्या? हम कहते हैं ये फर्जी वाला यदि बंद लिफाफा है, सिलबंद लिफाफा है, तो वो किसी सांसद के पास कैसे डिस्क्लोज होता है? यदि होता है तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है और उसमें मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो यदि उस पर यदि संवैधानिक संस्था की जो वैधानिकता है उसका यदि खुलेआम प्रदर्शन होता है तो उस पर हम लोगों को आपत्ति है और ऐसे लोगों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। चुनाव की मांग कर रहे हैं, आपके पक्ष में नहीं होंगी तो क्या विकल्प है सरकार के पास? सरकार स्थिर है, सरकार को कहीं कोई खतरा नहीं। लेकिन दादा वो लोग तो चुनाव की मांग कर रहे हैं। कौन चुनाव? बीजेपी के जो सांसद है। चुनाव होगा या नहीं होगा वो तो चुनाव आयोग तय करेगा, सांसद तो नहीं तय करता है। लेकिन एक बात और कहा जा रहा है कि साल 2016 से झारखंड के शिक्षा जगत में अमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड एक क्रांति के रूप में सामने आया है। यूनिवर्सिटी इंटीग्रेटेड और ट्रांसकल्चरल एजुकेशन के जरिए प्रतिभा को निखारने का काम कर रहा है। क्वालिटी एजुकेशन के साथ अमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड बडिंग टैलेंट्स का न सिर्फ करियर संवार रहा है बल्कि एक अच्छा इंसान बनने में उनकी मदद भी कर रहा है। यहाँ के क्वालिफाइड फैकल्टीज और स्टूडेंट्स ने मिलकर अब तक 400 से ज्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में टॉप पोस्ट क्रैक करने के लिए यहाँ के स्टूडेंट्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है और यही वजह है कि यहाँ के स्टूडेंट्स अमेजॉन, डेलॉयट, एक्सेंचर, विप्रो, नेस्ले, TCS, ITC, कॉलगेट, फेडरल बैंक, JP मॉर्गन, हिंदुस्तान यूनिलीवर और मेडिको जैसे बड़े और रेप्यूटेड कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए प्रेफर्ड चॉइस बन गए हैं। 47 लाख की हाईएस्ट पैकेज के साथ अमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड ने राज्य में एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया है।